हेलो फ्रेंड्स, सिलास फूडशाला में आपका स्वागत है। मैंने पहले भी बताया था मैं पकोड़े की सीरीज लेके आ रही हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट पाने के लिए घंटी जरूर दबाएं। अब हम बनाएंगे फूल गोभी के पकोड़े। फूल गोभी को भी मैंने पानी में नमक डाल के साफ पानी से धो लिया है। फूल गोभी एकदम सफ़ेद सफ़ेद लें, इस पे बिल्कुल भी कीड़े नहीं हैं। आप फूल गोभी बाजार से लाते समय देख ले, इसमें अंदर कीड़े तो नहीं हैं। इसे आप कॉटन कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। कोई भी कॉटन कपड़ा ले, उसमें फूल गोभी डालें और इसे प्रेस करते हुए पोंछ लें। या तो आपको अगर नहीं पोंछना है तो आप चलनी में 10-15 मिनट के लिए रख दें, इससे भी पानी हमारा निकल जाएगा। इसे अब एक बाउल में डाल देंगे, इस पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, इससे हमारे फूलगोभी के पकोड़े का टेस्ट अच्छा आएगा। अगर फूलगोभी में नमक नहीं डालेंगे तो ये फीकी फीकी लगेगी और पकोड़े का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और इस पे मैं डालूंगी मैगी मसाला, पूरे में इस तरह से छिड़क दे। मैगी मसाला बाजार में आसानी से मिल जाता है और इसे मिक्स कर लें, इससे सारे फूलगोभी में मसाला अच्छे से लग जाए। सारे फूलगोभी में मसाला अच्छे से लग चुका है, इसके अब पकोड़े बनाएंगे। ये हमारा बेसन का घोल है, इसमें फूलगोभी डाल देंगे और एक एक करके तेल में डालेंगे। तेल मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था, तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें अब पकोड़े डालेंगे फूलगोभी के। पकोड़े एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें पलटा दें। अगर एक साइड से पकोड़े अगर ब्राउन नहीं हुए तो इन्हें नहीं पलटाएं, क्योंकि ऊपर से जो कच्चे रहेंगे वो हमारे झारे में लग जाएगा। पकोड़े हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें अब निकाल लेंगे। आप इसके छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं, मैंने इनके बड़े पीस किए हैं। एक प्लेट में निकाल लें।